who carried a strike against security forces here? Identify हम लोग कर लिए हैं. जैसे कि मैं पहले बता दूं इंसिडेंट के बारे में, आज 12:45 में जो हमारे सीआरपी के जवान आरोपी ड्यूटी पे थे, तो एक बाइक में दो आतंकवादी आए, बाइक लगा के अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से, और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए, उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान दो जख्मी हो गए सीआरपीएफ के, और भागने में कामयाब हो गया. लेकिन चूँकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग, और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे. ये वही LET का टेररिस्ट है जो पाकिस्तान से एक आया, एक का नाम सैफुल्ला है, एक लोकल टेररिस्ट है, और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था सीआरपीएफ पर, हमारे उसमें एक SI शहीद हुए थे, और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था. इसका ये तीसरा इंसिडेंट है, हम लोग इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे. सर, बैक टू बैक अटैक्स ऑन नेशनल हाईवे ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, हाउ आर यू व्यूइंग द सिचुएशन? बिल्कुल, नेशनल हाईवे टारगेट है, ये वल्नरेबल है क्योंकि इसमें काफ़ी सिविलियन व्हीकल चलते रहता है, तो हमारे जवान को रिटेलेट करने में दिक्कत होती है. हम लोगों को पब्लिक का ख्याल रखना पड़ता है. अगर हम भी अंधाधुंध तो इस तरह फायर करेंगे तो सिविलियन जख्मी हो सकते हैं, उनका जान जा सकता है, तो हम लोग बड़ा प्रिवेंटिव मेजर लेकर फायरिंग करना होता है. तो इससे पहले भी सर नेशनल हाईवे पे कहीं बड़े अटैक्स देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मिलिटेंट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं और सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं. देखिए, मिलिटेंट तो ये बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए, हथियार को छिपा कर आते हैं, कंसील करके आते हैं, नज़दीक आके फायर करके ये गुरिल्ला वॉर वेलफेयर की तरह अटैक करते हैं. लेकिन इसका भी हम लोग उपाय है, हम लोग इसको जल्दी इनकाउंटर न्यूट्रलाइज कर लेंगे. सर, इज द कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ओवर एज फार एज दिस एरिया एडजोइनिंग एरिया इज कंसर्न्ड? हाँ, तराल के एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें इनिशियल फायर फाइटिंग हुआ था. SOG के 4-5 लड़के गए थे कवर्ड ऑपरेशन में, मिलिटेंट ने पहले फायर किया, हमारे लड़कों ने फायर किया, मिलिटेंट वहाँ से भाग गया. एक और लाम के एरिया में ऊपर हम लोग फतुरा के पास चल रहा है, हम लोग होपफुल है कि कुछ रिजल्ट आएगा. थैंक यू सो मच सर. तो नहीं है, तीनों स्टेबल है. Okay. Thank you.